Question number 23, 12th maths RBSC, miscellaneous exercise number 16, in the Vivid Prasmala number 16, प्रायिकता यानी प्रायोरिटी चैप्टर का है। अब इसके अंदर दे रखा है रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर px equals to r, r हमारे यहाँ पर कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है ना, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, इंटीजर वैल्यू कोई भी जो नॉन नेगेटिव हो। ये जो px है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर r होगा क्वेश्चन में गिवन है, यानी समानुपाती होगा अल्फा की पावर r, यानी कि मैं इसमें अगर इक्वल टू में चेंज करूंगा इसको तो ये हो जाएगा k और अल्फा की पावर r। अब आप इसमें अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखते हैं, यहां r की जगह हमारे पास जीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, k अल्फा की पावर जीरो, और किसी और अगर जीरो है तो वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू कौन सी थी। और आपको मैं बता दूं पी एक्स इक्वल टू जीरो ही इसमें डिमांड है, इसकी वैल्यू बिल्कुल निकाल दी है, तो पहले पता चल गया के होगा, लेकिन के की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है। तो एक्स इक्वल टू वन के लिए बात कर लें, के अल्फा की पावर वन, और एक्स इक्वल टू टू के लिए सोचे तो अल्फा की पावर टू, और पी एक्स इक्वल टू थ्री के लिए सोचे तो थ्री, और ये चलता रहेगा इस तरह से। तो अब एक बात पता है, सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा कितना होता है, वन होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो बिकॉज पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू प्लस पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड ये चलता रहेगा एंडलेस है, इज इक्वल टू सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा वन होता है। वैल्यूज रखें, इसकी वैल्यू कितनी है, के प्लस के अल्फा प्लस के अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा की पावर थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू वन। इन सभी में से के कॉमन आ सकता है, कि अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां बचेगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर थ्री और निकलता रहेगा, तो इन्फिनिटी सीरीज बन गई जीपी, है ना, ये जीपी बन गई। और जीपी के इन टर्म्स का सम जो है ना, नहीं एन टर्म नहीं, इन्फिनिटी चलता रहेगा, ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको इन्फिनिटी टर्म का जो सम होता है ना उसका फॉर्मूला लगा देते हैं हमारे यहाँ पर, के फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पर ए कौन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है वन, ए की जगह वन आ जाएगा। आर होता है कॉमन रेशियो उसमें कितना अल्फा है, इस आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है वन, तो मींस मेरे पास के की वैल्यू निकलेगी वन माइनस अल्फा, अल्फा खुद कौन है जीरो से ज्यादा लेकिन वन से कम, तो ये पॉसिबल है। हमें निकाला था पी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू यहां से देखो कितनी आई थी, के आई थी, और के की वैल्यू क्या थी, वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा कंसेप्ट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा आपके आंसर आ जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके फिर इसको ढंग से सॉल्व करें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें यादृच्छिक चर यानी कि रैंडम वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन है। 2 इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स वन के लिए इज इक्वल टू होगा 3 इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स टू के लिए, और इज इक्वल टू 4 इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स थ्री इज इक्वल टू 5 इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर, ये रिलेशन के बीच में। अब आप इनको सबको फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू के कंसिडर कर लो। अगर मैं फर्स्ट k के इक्वल लिखता हूं तो 2 इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू के मीन्स पी एक्स इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू के बाई टू आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको लिखता हूं 3 पी एक्स इक्वल टू एक्स टू के लिए इजिकल टू के लिखूं तो पी एक्स इक्वल टू एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी के बाई थ्री। इसी तरह से यहां से पी एक्स इक्वल टू एक्स थ्री की वैल्यू
इसकी आ जाएगी के पाई फोर हो जाएगा और x इक्वल्स टू x फोर के लिए के बाई फाइव फाइव अपॉन में चला जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसको टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमारे पास में ये तो रैंडम वेरिएबल यानी कि x इक्वल्स टू x वन x टू x थ्री और x फोर के लिए बात हो रही है, सबकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। और ये हमारे पास है पी एक्स आई, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स वन के लिए, एक्स इक्वल्स टू एक्स टू के लिए और एक्स इक्वल्स टू एक्स थ्री के लिए, एक्स इक्वल्स टू एक्स फोर के लिए। वैल्यूज लिखे इसमें, x1 के लिए कितना है k बाई टू, यहां से आ गया k बाई थ्री और वो आ गया इसके लिए k बाई फोर और ये आ गया k बाई फाइव। अब ये अननोन वैल्यू है सिर्फ k, अगर k निकल जाए तो सारा काम ओके हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम ऑलवेज कितना होता है, वन होता है। इस कंसेप्ट के तहत अपन क्या लेंगे इसमें, ये k बाई टू प्लस ये हो जाएगा k अपॉन थ्री प्लस यहां से आ जाएगा k अपॉन फोर और यहां से आ जाएगा प्लस k बाई फाइव मस्ट इक्वल टू वन। अब आप इसमें एलसीएम कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, टू का डिवाइड करें 30, ये हो गया 30 के प्लस यहां से हो जाएगा 20, तो 20 के प्लस 4 15, ये हो जाएगा 15 के प्लस यहां से आ गया 12 के इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखो उसमें ये हो गया 50 और 50 और 65 67 और 77 77 के अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1 मींस के इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 60 अपॉन 77। ये k की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो सारा काम हो जाएगा मेरे पास। ये 1 by 2 पड़ा है, k की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 77, यहां पर 1 by 3 है ये आ जाएगा 60 अपॉन 77, ये 1 by 4 into 60 अपॉन 77 और ये 1 by 5 into 60 अपॉन 77। तो इसकी फटाफट कैलकुलेशन कर ले बस। ये 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 30 आ जाएगा, 30 अपॉन 77 इज इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा 20 अपॉन 77 और ये 4 से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 15 अपॉन 77, 5 का डिवाइड इसको जाएगा तो 12 अपॉन ये 77। ये सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का कांसेप्ट पूरा कौन सा है, सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना होता है, 1 होता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे मार्क्स लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।